नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। एयर एशिया की फ्लाइट में जयपुर पहुंचने पर कस्टम का एक्शन देखने को मिला है। कस्टम ने कार्रवाई की है। फ्लाइट बैंकॉक से जयपुर पहुंची और 715 ग्राम सोना पकड़ा गया। मेडिकल जांच में मलाशय में 3 कैप्सूल में छिपाकर ये सोना लेकर आया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने संदिग्ध की जांच की तो पकड़ में आया। मेडिकल जांच हुआ दरअसल तो पकड़ा गया। बड़ी खबर इस वक्त की, एयर एशिया की फ्लाइट में जयपुर पहुंचने पर यह कार्रवाई हुई। 715 ग्राम सोना जो है वो मलाशय में 3 कैप्सूल में छिपाकर रखा गया था। मेडिकल जांच कराया गया तब पकड़। दामोदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। दामोदर, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई, क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब तरीके से स्मगलिंग चल रही है। देखिए, लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान कस्टम विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज जो जयपुर एयरपोर्ट पर जो सोने की तस्करी करके लाए यात्री से ये सोना पकड़ा गया था। बैंकॉक से ये जयपुर पहुंचने पर जो यात्री ने जो कैप्सूल है, कैप्सूल में ये सोना छिपा कर लाए थे। यानी सोने का वजन जो बताया जा रहा है वो 715 ग्राम सोना है। और इस सोने की जो इंटरनेशनल बाजार कीमत बताई गई है करीब 40 लाख रुपए। तो कह सकते हैं कि 3 सोने की जो कैप्सूल का वजन है, कैप्सूल के रूप में लाए थे सोना, उस कैप्सूल टाइप में लेके आए थे, जिससे यहाँ पर जो संदिग्ध देखा गया तो जो मेडिकल जांच में है, उन 3 जो कैप्सूल है उनकी जब जांच की गई तो उसमें सोना नजर आया। तो ताकि फिर जो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उस कैप्सूल को खोलकर देखा तो सोने की जो कैप्सूल टाइप में उनको निकाला है। और जो करीब 715 ग्राम बताया गया है और इसकी इंटरनेशनल बाजार की जो कीमत है वो 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो जिस तरीके से सोने की जो तस्करी करके ला रहे हैं और वो जिस तरीके से कस्टम विभाग की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया दामोदर इन तमाम जानकारियों के लिए। दामोदर, हमारे सहयोगी बता रहे थे 715 ग्राम सोना कस्टम ने पकड़ा है, जिसकी बाजार में कीमत 40 लाख रुपए के आसपास की है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की ये कार्रवाई देखने को मिली है। एयर एशिया के फ्लाइट से जयपुर पहुंचा और 715 ग्राम सोना जो है वो कस्टम ने पकड़ लिया। 3 कैप्सूल में छुपा कर लाया गया था मलाशय। सीएम प्रदेशवासियों को लगातार सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आज 53 सड़कें, पुल और तमाम कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछेगा, पुलों का निर्माण होगा। सीएम शाम 5 बजे वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 53 सड़कें, पुल, आरयूबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास होगा, लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेशभर में 3378 करोड़ की लागत से सड़कें, पुल, आरयूबी का निर्माण होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सड़कों का जाल बिछाने के लिए एक बड़ी सौगात सीएम आज देंगे वर्चुअली। दरअसल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, ये सब जो है किया जाएगा। हजारों करोड़ की ये योजनाएं जिसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो एक ही जगह वर्षों से जमे कार्मिकों की सीट अब बदलेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसको लेकर एक परिपत्र जारी किया है। एसीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव को यह परिपत्र में कहा गया है कि कोई भी कार्मिक 3 साल सामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों में 5 साल से अधिक एक जगह पर ना जमा रहे। सचिवालय, विभिन्न विभागों, निदेशालय, आयुक्तालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबे समय से जमे कार्मिकों के लिए ये परिपत्र जारी किया गया है। लंबे समय तक एक ही अनुभाग कार्यालय में पदस्थापित रहने से राजकार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। मुख्य सचिव ने यह परिपत्र जारी किया जो हम आपको दिखा। बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर आ रही है। स्कूली बच्चे पानी में फंसे हुए हैं। बरसात ने फिर जो है वो पालिका की पोल खोलकर रख दी है। पालिका से लेकर सदर बाजार तक सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएससी और विद्यालयों के आगे ये गंदे पानी का तालाब बन जाता है। 2 सालों से यही हालात यहाँ पर बरकरार है। पालिका प्रशासन की तकनीकी खामी और जिद से पनपे ये हालात। आमजन त्रस्त और आक्रोशित लोग, लेकिन जनप्रतिनिधि लगातार
मौन है, ये व्यवस्था कैसी है, ये सवाल है। दो सालों से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। विद्यालयों के आगे, चर्ची के आगे पानी भर जाता है और स्थिति क्या होती है आप देख सकते हैं। किसमें से स्कूली बच्चे किस तरीके से निकलते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर रहती है। बरसात में एक बार फिर से देशनोक पालिका की पोल यहाँ पर खुल गई है। जल जमाव से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जनप्रतिनिधि कुछ बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। सवाल है भाई, ये कैसी व्यवस्था है, क्यों आखिर बार बार ये पानी भर जाता है, पानी निकासी के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं। हल्की सी बारिश आती नहीं है कि यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर ज़रा देखिए और अंदाज़ा लगाए कि यहाँ से रोज़ आवागमन होता है और देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ से गुजरने को मजबूर है, पानी में से, पानी से इसको पार करने को मजबूर है। वैसे में यहाँ पर हादसा भी हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरा रहता है, आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जनप्रतिनिधि जो हैं वो ध्यान देते नहीं हैं, स्कूल के सामने के ये हालात हैं। दौसा के लालसोट में स्थित कृषि उपज मंडी में किसान और व्यापारी आमने सामने हो गए हैं। किसान जब समर्थन मूल्य केंद्र पर माल बेचने के लिए पहुंचे तो समर्थन मूल्य केंद्र पर बंद मिलने पर किसान आक्रोशित हो गए और मंडी का मुख्य दरवाजा बंद कर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से केंद्र पर खरीद नहीं हो रही, वहीं मंडी व्यापारी भी किसानों के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य खरीद केंद्र को या अन्य स्थापित करें या फिर पूरी मंडी क्रय विक्रय को सुपुर्द कर दी जाए। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जब संदिग्ध लोग मंडी में घूमते दिखाई देते हैं तो जवाब होता है वो समर्थन मूल्य केंद्र पर माल बेचने आए हैं। ऐसे में यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सही है कौन गलत है, इस तरीके से वारदातें हो जाती हैं। उसका मकसद लूटपाट का है, दूसरा अदर कोई नहीं है। ये घटना तो पहली थोड़ी है, दूसरी घटना हुई है। पहले भी चोरी घटना, पहले भी चोरी हो गई और कई किसानों की जेबें कट चुकी है, आए दिन कटती रहती है। अब किसी से पूछते हैं ना तो एक ही बात कहता है, करे करे माल तोड़ ले आए, भली वो आया ही नहीं हो, कहाँ तक सुरक्षा करे। या तो इस पूरी मंडी को क्रय विक्रय को दे दी जावे, हम अपनी चाबियां प्रशासन को सौंप। कोई प्रबंध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। जो ड्रोन बना हुआ है किसानों के लिए बनाता है, जो उसमें पूरा व्यापारियों का माल भरा है, तो ये व्यापारी का माल खाली होना चाहिए। जिसका माल है उसकी जांच होकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा अगर ये अभी खाली कर देंगे फिर माल वापस लगा देंगे। एक भी व्यापारी का कभी भी माल नहीं रहना चाहिए, तो इसके खिलाफ भी पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा तुरंत प्रभाव से ये समर्थन मूल्य की तोल चालू होनी चाहिए। बांसवाड़ा के पास लोधा गांव के पटेल पाटीदार बस्ती में पिछले 3 दिनों से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। लगातार ग्रामीण विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहे हैं पर विभागीय अधिकारियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसको लेकर आज बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीणों ने बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग को जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक मार्ग को जाम किया गया, ग्रामीणों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर बांसवाड़ा SDM प्रकाश चंद और रास्तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से करीब 30 मिनट की समझाइश हुई, उसके बाद में जाम खुलवाया गया। मार्ग जाम होने के कारण दोनों ओर से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। ग्रामीणों ने SDM को कहा है कि पिछले 3 दिन से हमारे कस्बे में लाइट नहीं आ रही है, लगातार हम विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क में है पर किसी ने बिजली की सप्लाई कब शुरू होगी इसका कोई सही ढंग से जवाब ही नहीं दिया। प्राकृतिक आपदा की वजह से काफी पोल वगैरह इलेक्ट्रिक के टूट गए थे, इसकी वजह से यह लाइटें बंद है 2-3 दिन से। और ग्रामीणों में इसको लेकर के दोस्त था जिनको समझाइश की गई, IN साहब से बात की गई, तो 2-4 घंटे में लाइट बहाली हो जाएगी, उन्होंने रास्ते से हट गया। बांसवाड़ा से लाइन सप्लाई होनी चाहिए हमारे यहाँ लोधा की, क्योंकि बांसवाड़ा सीट बांसवाड़ा से गाड़ा मेड़ी होकर कुपड़ा में कर दी, इस वजह से हमारी बांसवाड़ा की लाइन होनी चाहिए। सबसे गांव में लाइट नहीं है, लोधा गांव में पूरे गांव में लाइट नहीं है और कॉलोनी में आसपास भी लाइट है सब।
बाड़मेर के भीमथल गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश गोदारा टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर समझाइश की कोशिशें वहां पर जारी हैं। जानकारी के मुताबिक ओरण भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने, भूमिहीन परिवारों को आबादी भूमि से पट्टे दिलाने और आरटीआई कार्यकर्ता पर हुए हमले के निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर मुकेश गोदारा टावर पर चढ़ गए। इस बीच वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी मुकेश गोदारा से फोन पर बात की, टावर से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन मुकेश गोदारा अपनी मांग को लेकर अड़े हुए। नागौर के भादवा गांव के 25 साल के युवक का अपहरण कर मारपीट की गई। युवक रतनगढ़ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। वारदात का पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़ाया। पुलिस ने बताया कि नरसाराम ने रिपोर्ट में बताया है कि करीब 6 महीने पहले मैणासर के नेमीचंद जाट को 10,000 रुपये उधार दिए थे। युवक अपने दोस्त अशोक से मिलने रतनगढ़ आया था। इस दौरान एक कैंपर गाड़ी में सवार नेमीचंद जाट अपने साथियों के साथ आया और जबर अगवा कर ले गया। युवक के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया, युवक को छुड़ाया। पुलिस ने कैंपर में सवार नेमीचंद और सुनील को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली। कैंपर गाड़ी में 3 लड़के 1 लड़के को मारपीट करके उठा के ले गए हैं, जिस पर राजेंद्र सिंह जी एसआई दौरान अगस्त ही उनका पीछा करके और उनको मैणासर के पास पकड़ा। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो भागने में सफल हो गया। 2 लड़कों को और अपरता को पकड़ के थाने लेके मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे की तलाश जारी। सीकर के नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए जगदम्बा गैंग का सरगना संजय को गिरफ्तार कर लिया। गुटखा व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय ने सुभाष अग्रवाल 30 अप्रैल कल कॉल किया उसको और 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, अभी भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। आरोपी के खिलाफ करीब करीब 12 से ज्यादा थानों में मामले दर्ज हैं। और एक सुभाष नाम का अग्रवाल जो बनिया था, उसके 1-1.5 महीने पहले जो रास्ते में मोटरसाइकिल गिरा के अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके पेट तोड़ दिए गए थे। उसके बाद फिर धमकी दी गई उसको जान से मारने की, उसको FIR की गई थी। आज अभी हाल में जो 145 नंबर मुकदमा दर्ज किया था 4-5 पेज को, उसमें उस मुजरिम को जेल से पड़ोसवान से लेके आए हैं, जिससे अनुसंधान किया जाएगा और गिरफ्तार जांच की जा रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने समुदाय विशेष के एक युवक पर जबरन धर्मांतरण कराने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो उदयपुर में ही दिल्ली जैसा हत्याकांड कर देगा। युवती की माने तो कुछ समय पहले उसकी पहचान आयल इलाके में रहने वाले मोहम्मद आसिफ से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। जब उसने दोस्ती तोड़ने की बात की तो आसिफ उसे जान से मारने की धमकियां देने लगा। यही नहीं, उसे धमकी दी गई कि अगर तय समय पर बुर्का पहनकर नहीं आएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। युवती ने आरोप लगाया कि आसिफ न सिर्फ बुर्का पहनने के लिए बल्कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भी दबाव बना रहा था। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में युवती ने आसिफ के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ इसने मारपीट करता था और बदतमीजी करता था। अभी थोड़े टाइम से नाइफ और वेपन लेके घूम रहा है। रोज बोलता है तुझे मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड़ में रहने वाला है। ये सब बोलते थे कि ये ना ते धर्म परिवर्तन कर। इसके मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। सिरोही जिले के रेवदर थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने बुधवार देर रात पुलिस थाना रेवदर में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 5 साल की मासूम अपने घर पर खेल रही थी, जहां आरोपी पहुंचा और बच्ची से दुष्कर्म किया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है।
धौलपुर के बाड़ी से खबर है। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पीर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। दहेज हत्या का आरोप लगाया है, गला घोंट कर हत्या करने का आरोप है। शादी के बाद से ही प्रताड़ना का आरोप लगा है। पीर पक्ष जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एक वर्ष पूर्व हुई थी मृतका नवलदेई की शादी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवलदेई इसका नाम था जिसकी हत्या हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। दहेज हत्या की बात यहां पर परिजन कह रहे हैं, पीहर पक्ष के लोग। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पीहर पक्ष ने आरोप लगाए हत्या के। नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अब ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की जांच इसमें हो रही है। एक वर्ष पहले शादी हुई थी, लेकिन अब दहेज हत्या के आरोप जो है वो पीहर पक्ष के लोग लगा रहे हैं। धौलपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, क्योंकि नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। चूरू के सुभाष चौक सहित मुख्य स्थानों पर गंदा पानी जमा होने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता बसंत शर्मा के आरोप लगा उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में बरसात के चलते सीवरेज योजना के चैम्बरों से सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण आसपास के वार्डवासियों और बाजार में दुकानदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार में गंदे पानी के जमा होने से व्यापार ठप हो जाता है। वार्डवासियों को गंदे बदबू में रहना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा लगाई गई पानी निकालने की मोटरों का पावर जो है वो काम होने से पानी यहाँ से निकल नहीं पाता है। पारक बालिका विद्यालय में विद्यालय की ओर से कोई निकल नहीं सकता। पुराना बस स्टैंड, सुभाष चौक, मुख्य जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ पानी की ऐसी गंदगी भरी हुई है, तो कोई क्या करेगा। और यही चेतावनी हम दे रहे हैं कि आज अगर कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तो कल से हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ अपनी खाट व्यवस्था यहीं करेंगे। देखते हैं कलेक्टर साहब यहाँ सफाई व्यवस्था सुधारते हैं या हम यहाँ मर मिटते हैं। चूरू की सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान पंजाब निवासी दोनों आरोपी 70 किलो डोडा पोस्ट का चूरा ट्रक में ले जाते पकड़े गए। सदर पुलिस ने रामसरा चौराहे पर ट्रक को रुकवाया, ट्रक की जांच की गई। ट्रक में 70 किलो डोडा पोस्ट का चूरा बरामद किया गया। मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच हो रही, कार्रवाई जारी। NH-52 पर रामसरा चौराहे पर मध्य रात्रि को दौरान नाकाबंदी रणजीत सिंह और बलदेव सिंह को 70 किलो डोडा पोस्ट से पकड़ गिरफ्तार किया गया, जो जावरा मध्य प्रदेश से लाना बताया गया और पंजाब में ले जाना बताया। धौलपुर से खबर है, 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। मंदिर परिसर में खींचकर लाठी सरिया डंडों से ये जानलेवा हमला किया गया। गंभीर घायल अवस्था में युवक को जो है वो हॉस्पिटलाइज कराया गया। युवक दुष्यंत शर्मा भारत तिब्बत संघ का प्रांत महामंत्री अस्पताल पहुंची। निहालगंज पुलिस घायल से घटना और बदमाशों की जानकारी ले रही है। निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीमाई मंदिर परिसर की ये वारदात बताई जा रही है। धौलपुर से खबर है, 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर हमला किया है। मंदिर परिसर में खींच कर ले गए, लाठी सरियों से हमला किया गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने यह हमला यहां पर किया है। बताया जा रहा है इनकी संख्या 15 से 20 के आसपास थी। मंदिर परिसर में खींचा, लाठी डंडों से हमला किया। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हथियारबंद बदमाश थे। धौलपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अब तक आपने दूध, मावा, पनीर, तेल, नकली देखा होगा और इस तरीके की खबरें भी आप देखते रहे होंगे, लेकिन आपके घरों में जिस कलर पेंट से पुताई होती है, अब तो वो भी बाजार में नकली बिकने लगा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कलर पेंट बनाने वाली एक ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने दुकान पर जाकर देखा तो हुबहू एशियन कंपनी के डिब्बों में कलर पैक किया हुआ रखा हुआ था। कंपनी के प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत सामो थाना पुलिस को कर दी है, जिस पर पुलिस ने कस्बे में स्थित बालाजी हार्डवेयर और
कलर पेंट के दुकान पर छापा मार के कार्रवाई की। पुलिस ने बड़ी संख्या में कलर पेंट के डिब्बे बरामद किए हैं। साथ ही नकली कलर पेंट बेच रहे दुकानदार नरेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। जांच शुरू हो गई है। प्री मॉनसून बरसात ने नवलगढ़ नगरपालिका के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। आज बरसात से नवलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया। जल जमाव की स्थिति देखी गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह हुई बरसात ने एक और किसानों की खुशी दी है, तो वहीं दूसरी ओर नवलगढ़ नगरपालिका के लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। बरसात के बाद नगरपालिका क्षेत्र में कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। नवलगढ़ शहर के बकरा मंडी और वार्ड नंबर 7 में विशेष बच्चों के लिए संचालित आशा का झरना स्कूल इलाके में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए। जयपुर के कोटपुतली में तेज गर्जन के साथ बारिश हुई। बदले मौसम के चलते बड़ी ठंड से तापमान में गिरावट देखी गई है। जनजीवन इससे प्रभावित नजर आ रहा है। बेमौसम बारिश से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। राजस्थान में इन दिनों नौतपा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ठंडक का एहसास हो रहा है। रेनवार क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो गई, जिसमें आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे पहले रेनवार क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में आसमान में भयंकर काली घटाएं अचानक छा गईं, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ में बरसात का दौर शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण कस्बे में जगह जगह बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर 1 जून से लेकर 3 जून तक की संभावना है। इस तेज बारिश ने गर्मी के सीजन में भी एक बार फिर से सर्दी का एहसास करा दिया। सीकर जिले में कई दिनों से मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। सुबह करीब 5 बजे अंचल में अचानक मौसम परिवर्तन हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गए। करीब 2 घंटे तक यहां लगातार बारिश रही। लगातार हुई बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वाहन चालकों को दिक्कतें बढ़ गई। जलभराव और बारिश की पानी निकासी नहीं होने के चलते शहर में नगर परिषद के दावों की पोल खुलकर नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश में आ रहे प्रचंड चक्रवात के चलते 4 जून तक कई मूसलाधार बारिश तो कहीं हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में भी बरसात हुई, सड़कों में पानी भर गया। राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी हो रहे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो है वो ये परिणाम जारी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं बीडी कल्ला की, आप देख सकते हैं। बीकानेर में आईटी सेवा केंद्र में ये रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। इस साल परीक्षा में 14,60,130 छात्रों ने हिस्सा लिया है। शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला और इस वक्त परिणाम जो है वो जारी हो रहे हैं। बीकानेर में आईटी सेवा केंद्र में इस वक्त मौजूद है 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम राजस्थान जो इस वक्त बीडी कल्ला जारी कर रहे हैं। हाँ, ले लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। रौनक व्यास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। रौनक, किस प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद की जाए, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में मुझे लगता है रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा बीडी कल्ला के द्वारा। रौनक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कोरोना तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जो है वो जारी हो रहे। बीडी कल्ला इस वक्त जो है इन परीक्षा परिणामों को जारी कर रहे हैं। रौनक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आशीष सुन पा रहा हूँ जी। बीकानेर में बीडी कल्ला साहब मौजूद है, 5वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आशीष जानकारी दे दूं, तस्वीरें सबके सामने हैं। शिक्षा मंत्री पीडी कल्ला बीकानेर में मौजूद है, राजस्थान की पांचवी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो कि बीकानेर से आते हैं पीडी कल्ला, तो यहाँ पे आईटी जो सेवा केंद्र है वहां पर इस परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि देखिए, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 14,30,000 के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने इस पूरे परीक्षा में हिस्सा लिया था, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिसमें 7,00,000 के करीब छात्र हैं, और उसके ज्यादा देखिए आगे अगर बात की जाए परीक्षा परिणाम की, तो सार्वजनिक संख्या जो है परीक्षार्थियों की 1,28,000 जो परीक्षार्थी है जयपुर जिले में से शामिल हुए थे इसमें। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आंकड़े जो है वो जारी कर रहे हैं बीडी कला, परीक्षा परिणाम कुछ ही देर में जारी कर देंगे, तस्वीरें सबके सामने। जिस तरह के परीक्षा परिणामों की बात की जा रही है, क्योंकि पांचवी बोर्ड के परीक्षा परिणाम है, सभी लोगों को इंतजार था लंबे अंतराल से, और बीडी कला जो है वो यहाँ पर जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए, आंकड़े कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी आशीष, ठीक है रौनक, जाहिर तौर पर तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जो है वो जारी किया है। आईटी सेवा केंद्र में कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर बीडी कला इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान पांचवी बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो रहे हैं। आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीकानेर में ये जो सेवा केंद्र में रिजल्ट जारी हो रहा है, इस परीक्षा में 14,60,130 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।